सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके सो हम लाइव आ चुके हैं जैसे हमने प्रॉमिस किया था। यस बिल्कुल आ गए हैं। ओह वाओ, हम सारी जगह आ चुके हैं। हाँ जी आ गए। हम इस वक्त कहाँ कहाँ लाइव है? इस वक्त हम आयजा के पेज से लाइव हैं, इंस्टा पे, इंस्टा से, मोहित के इंस्टा से हैं, मेरे इंस्टा से हैं और जियो के फेसबुक पेज से लाइव हैं। सो अब हम सारे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जल्दी जल्दी आप कीजिए, हम सबका जवाब देंगे और बहुत सारे आ रहे हैं। सो हम रीड करना शुरू करते हैं। सबको हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। और अस्सलाम वालेकुम, हम यहाँ पे हम तीन लोग मौजूद हैं। मुनीर जो है वो जरा रास्ते में कहीं फंसे हुए हैं, अगर वो ज्वाइन कर सके हमें तो वो करेंगे। आजकल की ट्रैफिक, आजकल की ट्रैफिक। अच्छा जी, जियो के पेजेस पे जो आ रहा है, वालेकुम सलाम, सरवत ने बोला है क्या क्वेश्चंस हैं हमारे इस। देखिए हम यहाँ पे सब क्यों आए हैं ये बताएं। ये सबसे पहले हम बता देते हैं कि टीम यारिया यहाँ पे बैठी हुई है क्योंकि हमारा ड्रामा जियो पे आने वाला है 19 अप्रैल, विच इज दिस फ्राइडे। यस, कितने बजे आ रहा है? 8 बजे, ठीक है ना? वो आप लोगों ने जरूर देखना है। आप लोगों ने प्रोमोज और ओएसटीज और ट्रेलर्स तो देखे होंगे, तो उसके बारे में हमसे पूछे कुछ अगर आपके पास कुछ सवाल है। अच्छा, एक आ रहा है इसके अंदर कि आप पॉजिटिव कर रही हैं और आयजा नेगेटिव कर रही हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली कहानी नहीं है। इसके अंदर जो स्टोरी है वो दो लड़कियों की है। एक ऐसी लड़की है कि जिसको मोहब्बत हुई है और उसकी शादी कहीं और हो गई है, और शादी के बाद वो अच्छा ओके टेक्निकल इशू इसका दूर के नकले लगे। अच्छा जी, हाँ और पीछे कर लेंगे तो नहीं आएंगे। आगे तो ये दो लड़कियों की कहानी है। मोमल आप इधर आना है, आपका पता लगे कि आप वो लड़की हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती, लेकिन जो चीज़ मिलती है हम उसका भी शुक्र अदा नहीं करते। जैसे ये लड़की है, उसकी शादी हुई, सब कुछ हुआ। अब आप सोच रहे होंगे ये एक लड़का हम दो के बीच क्या कर रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। लव ट्रायंगल कुछ नहीं है ऐसा, जो लोग बोल रहे थे कि लव ट्रायंगल या कहानियां, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ये दो बहनों वाली कहानी है जो दो बहनों की होती है कि एक बहन दूसरे की, मेरी बहन मेरी, वो वाला भी सीन नहीं है। ये एक दो लड़कियों की कहानी है जो कि एक है जो जिंदगी में होता है उसको शुक्र अदा करती है, जो उसको मिलता है जिससे उसकी शादी होती है उसके साथ वो हंसी खुशी रहती है, खुश रहने की कोशिश करती है, रखती है और रहती भी है। और एक ऐसी लड़की है जिसको मोहब्बत हुई, शादी से पहले मोहब्बत हुई, शादी के बाद कोई भी इंसान उसकी ज़िंदगी में आता जो उसको जितनी भी मोहब्बत करता, मगर वो वहाँ कहीं फंस चुकी थी। तो वो वहीं फंसी रही है पूरे सीरियल के अंदर। और इत्तेफाकन उसकी शादी बहन से हो जाती है जो कि सब कह रहे थे मुनीर और आपका पेयर नहीं है, तो मेरा मुनीर से भी है, इनका मुनीर से भी है, मेरा इनसे भी है, इनका भी है। सो हम लोगों का, और आप कभी चाहेंगे कि ये जुनैद के साथ चली जाए, कभी आप चाहेंगे ये जुनैद के साथ चली जाए, वो मुनीर के साथ चली जाए। सो ये आप लोग खुद भी बहुत इन्जॉय करेंगे, बिल्कुल बोरिंग नहीं होने वाला। और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं बोल रहा, मैंने अभी रियलाइज किया, तो आप बोलिए। देखिए मैंने भी इससे किस चीज़ ड्राइव की थी। एक तो ये जो मैं काफ़ी पहले भी एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ कि क्या इस बॉर्डर लाइन क्या मैसेजेस लेंगे। अक्सर चीज़ें होती हैं, अक्सर डिसीजन होती हैं तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। खासतौर पर रिश्ते जो होते हैं, शादी के डिसीजन होते हैं, वो भी खासतौर पर बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। औलाद का कंसेंट, लड़का लड़की का कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। अक्सर निकाह कर दिया जाता है, रुखसती को छोड़ दिया जाता है कि साल बाद, दो साल बाद जब कोई कज़न आएगा, भाई आएगा, चाचा आएगा, तो उसके आने के बाद रखेंगे। वो रुखसती और जो निकाह के बीच में जो टाइम है वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है फॉर द कपल और फॉर फैमिलीज। तो बट वो डिपेंड करता है कि आपकी फैमिलीज, ये क्योंकि जो कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस होते हैं उनके लिए भी खैर निकाह कुछ इम्पोर्टेंट था, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट, बिल्कुल जुनैद ने बहुत अच्छी बात की है ये, कि एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी है कि ये जो आप निकाह करके एक लॉन्ग टाइम छोड़ देते हैं। इज दिस ड्रामा बेस्ड ऑन अ सोशल इशू और इज इट अ लव स्टोरी? हाँ जी, ये इसमें ऑफ कोर्स सोशल इशू तो है जो मैंने आपको बताया अभी, एक बहुत इम्पोर्टेंट, आई थिंक बहुत सारी इसके अंदर ये वाली चीज़ें, एक निकाह से रिलेटेड चीज़ें हैं कि आप निकाह बहुत अरसे के लिए ना रखें, और एक ये है कि
माँ बाप की जल्दबाजी ना, एक और चीज ये थी, हाँ दूसरी रिलेशनशिप की, मुझे लगता है कि सबसे रिलेशनशिप की, इम्पोर्टेंट जो हाँ इसके अंदर एक ये चीज हाईलाइटेड है कि आपकी जो आजकल हमारी होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, हमारे साथ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ती हैं, जो आपस में एक दूसरे को पसंद करते होते हैं, आपको लगता है कि ये ही मेरे लिए बनी और बने हैं और हमारी ही शादी होनी चाहिए, हम लोग परफेक्ट हैं, आप मंगनी भी हो जाती है बहुत से। देखिए कभी कुछ ऐसा होता है लाइफ में कि आपकी उससे शादी नहीं हो पाती जिससे आपकी होनी होती होनी है, होती जैसे है जिसे आप मैं पसंद बहुत, करते जब मैं ये सीन कह रही थी इनके साथ शादी का, तो मुझे डायरेक्टर ने कहा वाह क्या सीन किया है, खूब तालियां बजी। हैं। फिर घर आके मैंने अपने मियाँ को बताया, मैंने कहा दानिश अगर हम दोनों की शादी नहीं होती तो मैं पता है मैं कितनी अपसेट हुई ये सोच के खाली कि एक ऐसी लड़की उसके ऊपर क्या गुजरती होती, बिकॉज हमारी बहुत सारी दोस्तें ऐसी होती जिनकी शादी नहीं हुई क्लास नहीं फेलो से, हुई। जिससे वो प्यार करती थी, बट वो चीज़ लाइक निकाह भी हो रहा है पर वो सोच रही है कि मुझे वो अच्छा लगता था, वो हम लोग हंसते थे बिकॉज हम लोगों के साथ गुजरा नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने जिसको चाहा हमें वो मिल गया, तो हमें लगता है कि ऐसा काम होता होगा और मतलब हुआ भी तो यार भूल जाओ, भूलना इतना आसान नहीं है, इतना किसी को आसान भूलना नहीं। इतना आसान नहीं होता। और ये मैंने जिस तरह ये कैरेक्टर किया और उसके बाद जिस तरह मैंने फील किया इस लड़की को, तो ये कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, ना सादिया है ना जूबी है, ना अहमर है और ना ही उमेर है, हाँ इन लोगों की ये सिचुएशंस ऐसी हुई हैं कि ग्रे जस्टिफिकेशन शेड सबके है पास सबके है, अंदर, हाँ सबके पास बिल्कुल जस्टिफिकेशन है, बिल्कुल। जस्टिफिकेशन है बिल्कुल। यू लुक लाइक बिया सिलसिले वाली इन दिस रोल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिया एंड सादिया? बहुत ओके, डिफरेंस तो डेफिनेटली है। मुझे ये नहीं समझ में आता जब लोग कहते हैं सादा दिखा रहे हैं लड़की को या सादगी है तो वो एक सेम उसमें कैरेक्टर में जा रहा होता है या जो आपने पास्ट किया होता है। आयजा ने ऐसे कई रोल्स किए हैं, बट आई एम श्योर कि हर रोल में कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होता इसमें है। मेरे बालों का डिफरेंस साइलेंट का भी बहुत बालों का बहुत मैंने रिस्क लिया है, कर्मिंग बार करा, बार बहुत काम जला किया है जला बार बार, के बट नहीं बस बिया बैक टू बैक आपके दोनों हमारे दोनों साथ आ गए ना साथ आ गए ना। हाँ हाँ करना शायद मैं चाह रही थी कुछ जरा नेगेटिव सा, बट फिर भी मुझे वो, लेकिन आपने बहुत कुछ किया है वैसे नेगेटिव, आपने छुप के बुलाया उसको उमेर को, उमेर को, हाँ वैसे ये बात हम बताएं क्यों अभी इनको, उनको पता लग क्या प्रोमो देखा है सबने और सब लेकिन तारीफ कर रहे हैं बहुत असल ज्यादा। में जब सीन देखेंगे तब इनको पता चलेगा। तो ये बिया और सादिया का डिफरेंस मेरे ख्याल से जब भी आप लोग एपिसोड्स देखेंगे और एक बिल्डअप होता है और वो एक ऐसे लम्हे पे छोड़ता है एपिसोड कि आपको दूसरा एपिसोड देखना पे हम आपको मजबूर करेंगे, ये तो डेफिनेटली हमारा वादा अच्छा है। आप मुझे लगता है क्विकली थोड़ा सा नाम लेना, सबका सब बोल रहे हैं हमारा कोई नाम नहीं ले रहा, सो मोहम्मद शुएब थैंक यू, इकरा, उसको ये वाला किसका फोन है बहुत जुनेद जुनेद वहां पर हो रहा, ये अजय, वो मेरा फोन है ना, दैट्स माय फोन, आई वुड लाइक टू अजय, कांग्रेचुलेट आयजा, आयजा हनी मैं वाओ नहीं हूँ इसमें अच्छा जी जुनेद मेरे फोन पे सब जुनेद जुनेद बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि अकेला लड़का मैं बैठा हूँ यहाँ सबकी नजरें इस लड़के के ऊपर हैं, वैसे ओएसटी में भी इसी लड़के के ऊपर हैं अच्छा आयजा आपके लिए क्वेश्चन आया है कि आर यू प्लेइंग अ नेगेटिव रोल इन दिस ड्रामा? नो आई एम नॉट प्लेइंग अ नेगेटिव रोल, मगर कुछ पॉजिटिव भी नहीं, कॉन्ट्रास्ट है। देखिए कॉन्ट्रास्ट हम बड़ा ना वो कहते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव अक्सर प्लेज में ना बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया होता है कि ये जो है ये तो बहुत बुरी है, नेगेटिव हाँ, है, ये हायर बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है। आई थिंक इसमें इस स्क्रिप्ट का भी कमाल है और खासतौर पे डायरेक्टर्स हमारे सॉरी से निजात हुसैन हैं, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, हमने उनका नाम भी लेती देर उनका से बड़ा कमाल है कि बहुत उन्होंने ग्रे नहीं रखा, बहुत नेचुरल रखा है। नेचुरल रियल लाइफ में भी इंसान जो है कभी कभार कुछ ऐसी एक्शंस हो जाते हैं उससे जो कि नेगेटिव में चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई जस्टिफिकेशन जरूर होती है, कोई ना कोई बैक स्टोरी जरूर होती है। तो इसमें आपको वो नजर आएंगी वो बैक स्टोरीज भी जहाँ पे आपको फील होगा कि हाँ अगर इसने ऐसी ऐसा हरकत किया किया है तो उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक और आप लोग, मुझे लगता है इसके अंदर अगर कोई बुरा भी कर रहा होगा तो आई थिंक हमारी आप लोग सब उसी के साथ होंगे, मेरे साथ Is it a love triangle? If yes, how? Love It is triangle, not a love yeah. triangle. The four मैं characters. इनसे भी नफरत करती हूँ, मैं उससे भी नफरत करती हूँ मैं इनसे भी प्यार करती हूँ, मैं इनसे भी उनसे भी नफरत प्यार करती हूँ देखिए ये आप ये ऑडियंस को और गलत मैसेज मोहब्बत डाल भी रहे हैं। करती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ नफरत करती हूँ। नफरत जैसे किसी ने मुझे यहाँ लिखा हुआ है कि मुनीब को तो हर प्ले में धुतकारती हैं और नफरत ही करती हैं, तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर इसको शदीद मोहब्बत है उमेर के कैरेक्टर से और बहुत डिफरेंट है वो, कोई चांद रख वाला जो हम दोनों की केमिस्ट्री उसके अंदर थी उससे बहुत डिफरेंट है ये, और ये जो इंसान है इसको मैंने बहुत तंग किया
अच्छा, और मेरे ख्याल से जिस तरह से ये लिखा हुआ है समीना एजाज, और जिस तरह से सैयद वजाहत हुसैन ने उनको इस चीज को डायरेक्ट किया और है ना, एक हमारी मासूम हमारी सी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर इरम, इरम यहाँ पे मौजूद आप है। मत जाए ड्रामे बास प्रोडक्शन मैं तो एक फोन को घुमाना चाहूंगी एक सेकंड के लिए, येरी से हेलो, जिन्होंने हमें घरों से निकाला है कि आओ आके okay, बैठो। बड़ी कोशिश की मैंने, मैंने कहा छोटे छोटे बच्चे हैं नहीं छोटे 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 यहाँ नहीं चलेगा। इधर हमारी प्रोड्यूसर थी सिलसिले में भी, सिलसिले में मैं मुनीब और आयजा मोहम्मद थे, आयजा नहीं थी, बट आयजा आपको कैसा लग रहा है हमारी सिलसिले की टीम के साथ काम करके? ये सवाल हमारी तरफ से, हमारी तरफ से। और वजाहत भाई ने डायरेक्ट किया था ऑफकोर्स। हाँ, ये लोग की टीम ऑब्वियसली, ये लोग सब ने काम किया हुआ है, तो इनकी एक अलग खाने पीने का एक निज़ाम है सेट के ऊपर, और मैं एक बहुत डाइट कॉन्शियस और वो वाली, ये लोग सारे वो हैं जो हर जगह से केक आ रहे हैं, हर जगह से पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी पूरियाँ पराठे। अच्छा, अपनी रैक के बारे में बताओ, जिस दिन तुम पहले दिन सेट पे आई थी और हमने कितना रैक किया था, ऐसा भी बात मुझे तो बहुत सिखाई है जो लड़कियों की चीजें होती है, चीजों को संभालना, शर्माना और शर्माना, जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ना ऐसी वाली मैं तो बहुत सीखा है भाई, बहुत सीखा है। अदाय माना सीखा, अदाय माना तो मैंने डेफिनेटली सीखा है, बिकॉज वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, एक लड़की के लिए आई थिंक वो अदा जो है ना वो बड़ी जरूरी, जो ये कहते हैं कि बड़ी मिसिंग है आजकल। अच्छा, आप मेरे फैन पेजेस पे जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं और दिल बना रहे हैं, उन सब के लिए थैंक यू सो मच। हम हर जगह आएंगे, वाई सो क्यूट, वाई सो क्यूट, थैंक यू सो मच। सब हम पढ़ रहे हैं, सारे मैसेजेस पढ़ रहे हैं हम, जल्दी जल्दी से नाम ले लेते हैं ना हम, शफकत, सुमेरा, नवीद, नूर, नूरुल हुदा, थैंक यू सो मच। एंड बार बार हम ये कहेंगे कि अदीना बट, अदीना बट हार्ट भेजा है आयशु ने _11, स्वीट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब मेरा यही न्यू ड्रामा आ रहा है, जो भी पूछ रहा है हम लोगों का, आपका भी चल रहा है एक और इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट, मगर हमारा यही ड्रामा है दो दिन बाद। आयजा, व्हाई डिड यू अडॉप्टेड दिस न्यू लुक फॉर दिस प्ले? चलिए मैं आपको बता देती हूँ, मैंने किसी को कॉपी नहीं किया, बट मैंने इंस्पिरेशन जो ली थी इसकी, लुक की, बालों की, वो मैंने ली थी नूर खान हमारी एक एक्टर है और सारा खान हमारी एक एक्ट्रेस है, वो दोनों बहनें हैं। सो जब मैंने ये लुक सोचना चाहा था तो मैंने सोचा था ये लड़की कैसी लगनी चाहिए, एक बहन बड़ी है, एक बहन छोटी। अक्सर ये होता है कि दोनों बहनों के बाल डिफरेंट होते हैं, किसी की अम्मा पे चले जाते हैं, किसी की अब्बा पे चले जाते हैं, बिल्कुल। सो मेरी मेरी अम्मा पे गए हैं। सो मैंने जो इंस्पिरेशन ली थी अपनी इस लुक की, बालों की और इस तरह, तो वो मैंने नूर को देख के ली थी कि वो एक लड़की है और छोटी बहन है और एक बड़ी बहन है और वो किस तरह दिखती है, तो वो वाली मेरी इंस्पिरेशन जो है वो उससे थी, जो बालों की थी। सबने लुक हमारा, मेरी तो बहुत सारी चीज़ें लेके चले, अलकरम ने बहुत सपोर्ट किया मेरे सारे कपड़े मेरे बहुत सारे, मैंने अलकरम के इसके अंदर पहने जो पूछते हैं सारे, और स्टाइलिंग अनिला ने हेल्प की है मेरी बहुत सारी, और वाजिद ने हमारा जो है वो मेकअप किया है, है। और क्या क्या सवाल है, मैं पढ़ रही हूँ आपके जो जो सवाल हैं। मेरे फैन पेज ने कहा है कि मोमल से तो पूछते रहते हैं कि मेरे साथ काम कैसा करना कैसा लगता है, लेकिन आप आपसे पूछ रहे हैं कि आपको मेरे साथ काम, अगर मुझे कोई डिनर मिलेगा कुछ मिलेगा तो जवाब मिलेगा क्यों? अच्छा, जुनेद के साथ, अच्छा मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत सख्त आदमी हूँ, अकड़ूज आदमी, जैसे जुनैद से पहली दफा मुलाकात हुई थी तो हम लोगों के बहुत वो वाले सीन थे, लाइक कपल वाले, और हम लोगों के सीन, तो मैं शुरू में मतलब हम दोनों बैठे हुए थे, मैं भी बहुत ज्यादा बातें नहीं करती जितनी मैं अभी कर रही, मतलब हमारी अब दोस्ती हो गई है, हम लोग बड़े कंफर्टेबल हो गए साथ, बट हम दोनों की बात नहीं होती थी, हम लोग सीन पर ही डिस्कशन होती थी, ये होता था वो होता था, हमारी
फिर जब ये अपने सिलसिले वाली टीम से जुड़े ना, तो पता लगा एक्चुअली जुनैद खान है क्या चीज खुल के बाहर आए वो हर खाने में, किचन में कुछ आया हुआ हो तो सबसे पहले जुनैद खान वहां से निकल रहे होते हैं कुछ हाथ में लेकर, कि सबको ललचा रहे होते हैं और बहुत ज्यादा ये बातें करते हैं, काम ये बहुत अच्छा करते हैं। और सबसे बढ़ के एक बात कि आपको पता नहीं लगता कि इनके अंदर क्या कुछ अंदर इन्होंने समाया हुआ है, कितने कैरेक्टर्स, जब ये परफॉर्म करते हैं, जब ये अपने क्लोज पर आते हैं, तो हम कहते हैं जुनैद ठीक है। तो हमारे ये वाले रिएक्शन, जुनैद ने बहुत अच्छा काम किया है। और कल ही हमने एक सीन, मुनीब ना पहुंचो हम तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करेंगे, कोई तारीफ नहीं हो रही मुनीब की। स्टार्टिंग फ्रॉम द 19th ऑफ अप्रैल ओनली ऑन जियो एट 8 PM। और आप फर्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा, आप लोग देखिएगा, हमें बताइएगा आपको कैसी लगी है, और हम बहुत जल्द इसी तरह आपसे लाइव चैट करेंगे, मिलेंगे, और आपको आपसे सारे जो आपकी सजेशंस होंगी या आपके फीडबैक्स होंगे उन सब का आपको। हाँ, तो ये बात नहीं कि हम आज ही आए और आज आके फिर आपको छोड़ देंगे, हम कभी भी आ सकते हैं, हम कभी भी आ सकते हैं। और मेरे ख्याल से हम फर्स्ट एपिसोड, अच्छा किसी ने कहा सब चुप हो जाए जुनैद को बात करने दे, आई जाओ ओके ऑलराइट जुनैद प्लीज। अच्छा मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो हमारा ओएसटी है नवीद नाशाद है प्रोड्यूसर ओएसटी के, उन्होंने प्रोड्यूस किया, उन्होंने पहले भी हमारे साथ सिलसिले में भी उन्होंने किया था, मेरे साथ तो बहुत उनकी हिस्ट्री है, पहले भी काम किया, वो अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। तो उन्होंने इस प्ले का यारियां का ओएसटी प्रोड्यूस किया, नबील शौकत ने गाया, बहुत अच्छा गाया और बहुत अच्छा, अब वो हम देख रहे हैं ओएसटी और बहुत ज्यादा व्यूज हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं ओएसटी की ऑफ कोर्स। अच्छा मैं एक और चीज बोलूं कि हम एक छोटा सा कॉम्पिटिशन अगर यहाँ पे रखें, जो हमें बेस्ट टिकटॉक बना के देगा यारियां का, उसके साथ हम लाइव पर्सनली बात करेंगे, लेकिन मैं सबके टिकटॉक पोस्ट नहीं करूंगी। अच्छा नहीं, हम जो मेरे जो बेस्ट वाला हम पोस्ट करेंगे, बेस्ट 3 पोस्ट हम करेंगे, और हम लोग फैंस के लिए कुछ स्पेशली मे बी हम लोग लंच प्लान करें, जैसे कि मैं करती हूँ स्पेशली फैंस के लिए, मैंने किया था इससे पहले भी, तो हम लोग प्लान करेंगे, मगर अभी नहीं, अभी हमने वैसे ही आपको बताया है। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी हम आपको फॉलो करना पड़ेगा, हाँ फॉलो करना पड़ेगा यारियों को, और यारियों जब हमारे माशाल्लाह से एपिसोड आगे बढ़ जाएंगे उसके बारे में हम जब फिर आपसे सवाल करेंगे, फिर ये हम आपको आगे बताएंगे जी। और कास्ट हमारी बहुत, एक तो बहुत टैलेंटेड कास्ट हमने भर ली, हमारे अलावा मुनीब भट्ट, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं कि मुनीब कहाँ है, लेकिन मुनीब को अगर आपने देखना है तो आप फ्राइडे को 19 अप्रैल 8 बजे जियो लगा दीजिएगा। पर ऐसा नहीं है मुनीब के अलावा कोई नहीं आएगा, हम सब आएंगे पैकेज बट नो थैंक यू सो मच, एंड बहुत मेहनत हुई है सारी, हमारी बहुत बड़ी टीम है और ये पूरी टीम की मेहनत है, मुइज़ है हमारे पास, वकार है, अगर वकार नहीं होता तो पता नहीं क्या होता है, सारी कंटिन्यूटी, मुइज़ होता तो नहीं, सारे बच्चे सारे सकलेन भाई हैं, उन्होंने इतना खूबसूरत जो आपको दिख रहे हैं, हम लोग सारे मुश्ताक भाई हैं, दिखाया है सारी टीम, हमारे दो बच्चे हमजा और तीनों बच्चों को भी क्रेडिट देते कि उन्होंने हमारे साथ दिया अपने मामा पापा को जाके कि वो जाए, और हम थोड़ा सा मेरा एक और बड़ा वाला बच्चा है वो भी बहुत, आयजा के दो, नहीं नहीं वो कह रही मेरी तीन, दानिश भी आयजा का बच्चा है ना, मेरा एक इब्राहिम नादिर अपना हैंडल कर लेता है। तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज हमारा ड्रामा आप लोगों ने जरूर देखना है और बताना है कि कैसा लगा, क्योंकि इतनी मेहनत हुई है, वजाहत भाई ने बहुत मेहनत की है, और अभी कल रात तक भी बहुत चीजें चल रही थी और वो
बहुत ज्यादा मेहनत में ज्वाइन करते हैं मगर उनकी तबीयत नहीं ठीक जस्ट बिकॉज वो आई थिंक सो ओवरवर्क हो चुके हैं बिकॉज उनके दो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं और बहुत अच्छे बहुत जल्दी वो काम करते हैं आप लोग देख भी रहे हैं सारे दो बोल आप देख जा रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट को भी आपने आप लोगों ने हिट करना है ऐसे आप लोग देखेंगे तो वैसे आप लोग पसंद करें पसंद करेंगे वैसे बाकी अल्लाह मालिक है वैसे तो हमें पता है आप लोग पसंद करेंगे लेकिन फिर भी आप लोगों ने यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोगों ने 19 तारीख को 8 बजे कहीं नहीं जाना स्क्रीन पे सिर्फ जियो देखना है ठीक और बाय बाय अल्लाह हाफिज थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक यू और इंशाल्लाह हम जल्दी आएंगे फॉर योर कमेंट अल्लाह हाफिज सब अपने अपने Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.